हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। हम लोग आज बात करते हैं नसीहत्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नसीहत्स का फुल फॉर्म, एज यू ऑल नो, दैट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इस नसीहत्स में हमारे तीन क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपको वीडियो में हमारे दिख रहा है। नंबर वन एनाल्जेसिक, नंबर टू एंटी इन्फ्लामेट्री, नंबर थ्री एंटीपायरेटिक। अब ये जो तीन क्लास हैं, इनके क्या मेन रोल होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो एनाल्जेसिक्स अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस पेन। जो भी हमारे बॉडी में पेन कॉज हो रहा होता है, एनाल्जेसिक्स हम जैसे ही लेते हैं वैसे ही रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है हमारे पेन को। एंटी इन्फ्लामेट्री अ ड्रग और अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन कॉज हो रही होती है विद अ फॉर्म ऑफ रेडनेस और अ स्वेलिंग और अ पेन और अ ईचिंग, दैट विल हेल्प टू रिमूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी। एंड लास्ट क्लास है हमारी एंटीपायरेटिक, हु विल हेल्प्स टू रिड्यूस अ फीवर। दीज आर थ्री कैटेगरी ऑफ ड्रग्स और अ क्लास दैट विल हेल्प्स टू फॉर्म अ नसीहत्स। नसीहत्स जो होते हैं हमारे बाइंड करते हैं एंजाइम को। जिस एंजाइम से ये बाइंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज ये जो एंजाइम आपको दिख रही है, ये जो कॉक्स वन और कॉक्स टू हैं, ये आइसोफॉर्म हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज के। साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या होती है? इट इज़ एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन विद द कन्वर्जन ऑफ एरेक्डोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हमारा ब्रेक डाउन करती है विद द चेंजमेंट ऑफ एरेक्डोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में। फिर जो हमारे साइक्लोऑक्सीजिनेज होते हैं, ये इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आई होप आप लोग को पता भी होगा। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपरऑक्साइड सिंथेस। अब बात करते हैं कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स विद हॉर्मोन्स लाइक एक्शन। इनका जो एक्शन होता है वो हॉर्मोन के जैसे होता है, जो कि हमारे जो भी टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं या इन्फेक्शन कॉज हो रहा होता है, कहीं पे घाव होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर जाकर के अपनी एक्टिविटी को शो करता है। इतना इन्फॉर्मेशन के बाद में आई थिंक सभी को पता चल गया हो कि मेनली नसीहत्स के क्या यूजेस हो सकते हैं। फर्स्ट, इट विल बी हेल्प्स टू रिमूव आउट रिलीविंग अ पेन। पेन में रिलीव करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हाई टेम्परेचर में हेल्प आउट होता है, डिक्रीज करता है उसको। और ये इन सब के साथ भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की जो डिजीज़ होती है उसमें भी, उसके पेन में भी हेल्प करने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नसीहत्स। तो क्या नसीहत्स का मैकेनिज्म हो सकता है? नसीहत्स जो कि इनहिबिट करता है हमारी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को, जो कि कन्वर्ट करती है एरेक्डोनिक एसिड को तीन पार्ट्स में, थ्रोम्बोक्सेन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स। इन तीन पार्ट में ये हमारे एरेक्डोनिक एसिड को क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है, जो कि हमारे जो भी बॉडी में पेन फॉर्म हो रहा होता है या जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उन सबको क्या करता है, डिक्रीज करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि एरेक्डोनिक एसिड क्या होते हैं। दैट इज़ द एसेंशियल फैटी एसिड्स। एरेक्डोनिक एसिड्स आर अ एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि हमारे बायोसिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, थ्रोम्बोक्सिन की और ल्यूकोट्राइन्स के प्रिकर्सर की तरीके काम करता है, एंड अ प्रिकर्सर इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। अब सबसे मेन चीज़ कि क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है नसीहत्स का। तो नसीहत्स जो होते हैं वो हमारे चार क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं। नॉन सेलेक्टिव, प्रेफरेंशियली कॉक्स टू इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर एंड लास्ट वन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। नॉन सेलेक्टिव्स में हमारे एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक एंड आइबुप्रोफेन आते हैं।
प्रेफरेंशियली में हमारे नीमोसिलाइड मेलोक्सिकेम, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में सेलेकॉक्सिब रोफिकॉक्सिब एंड एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में PCM विच इज़ कॉल्ड पैरासिटामोल। तो ये एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है हमारे NSAIDs का। आप लोग क्लासिफिकेशन को याद करने में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग इनके इनिशियल्स या कुछ भी नाम से जिससे आपको याद रहे आप इसको फॉर्म करके याद रख सकते हैं। अपने ना अपने किसी भी इनिशियल से आपने बना लिया एंड उसको याद करने में फिर आसानी रहेगी। आई होप आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक माई इन्फॉर्मेशन देन यू हैव टू लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।